Hey guys, welcome back to my YouTube channel. आज की वीडियो में मैंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैलेंज किया जिसमें मैंने ट्राई किया कि मैं अपने सारे ग्रे हेयर कवर करूं एक ही दिन में, वो भी नेचुरल तरीके से। तो आज की वीडियो ना थोड़ी व्लॉग टाइप होने वाली है जिसमें मैंने आपके साथ प्रॉपर टाइमिंग शेयर की है कि मैंने कब कौन सा पैक लगाया है ताकि एक ही दिन में मेरे ग्रे हेयर कवर हो जाए। तो पहले आप ये वीडियो देखो, फिर मैं आपको इसके बारे में और आगे बताऊंगी। कल मेरा बर्थडे है और आज मेरे हेयर एकदम ग्रे हो रखे हैं बिकॉज मुझे हेना इंडिगो एप्लीकेशन किए हुए हो चुके हैं 3 मंथ्स। तो मैं आपको अपने ग्रे हेयर दिखाती हूँ। मेरे इस वक्त इतने ग्रे हेयर हो चुके हैं और कल बर्थडे है तो ग्रेस को कवर करना ही है। तो आज मैं करने वाली हूँ एक एक्सपेरिमेंट। आज ही के एक दिन में मैं करने वाली हूँ मेरा 2-स्टेप हेना इंडिगो प्रोसेस। पहले मैं हेना पैक रखूंगी 2 आवर्स के लिए अपने हेयर में और उसके बाद मैं इंडिगो पैक रखूंगी, वो भी 2 आवर्स के लिए रखूंगी अपने हेयर में, और फिर मैं आपके साथ शेयर करूंगी मेरा रिजल्ट। तो मैं एक बार और आपको क्लोजअप में दिखाती हूँ कि मेरे कितने और किस तरह से ग्रे हेयर है। 3 मंथ्स में कुछ ऐसे ग्रेस आ जाते हैं। मैं एक काम करती हूँ, बाहर चलती हूँ, आपको सनलाइट में भी दिखाती हूँ कि इस वक्त मेरे ग्रे हेयर कैसे दिख रहे हैं। तो चलो बाहर चलते हैं। सो मैं हूँ अभी मेरी बालकनी में और ये है मेरे ग्रे हेयर नेचुरल लाइट में। हाँ जी, तो अब टाइम हो गया है हेना पैक लगाने का। ये है मेरा आज का हेना पैक। ये मैंने कल रात में ही प्रिपेयर करके रख दिया था और अभी ये रेडी हो चुका है। और बिकॉज आज मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी, मैं यूज करना चाहती थी मेरे फुल प्रूफ प्रोडक्ट्स जो मैं बहुत बार यूज की हूँ और जिन पे मैं सबसे ज्यादा रिलाई करती हूँ, तो इसीलिए मैंने लिया है हेना वेदा के प्रोडक्ट्स। तो ये जो ये हेना पैक बना है ये बना है हेना वेदा के हेना पाउडर से। तो आज के टाइमिंग्स के रेफरेंस के लिए मैं यूज करने वाली हूँ मेरी ये वॉच। और अभी टाइम हो रहा है 2:41, ये दोपहर का 2:41 हो रहा है और अभी मैं लगाने जा रही हूँ हमारा हेना पैक। तो जब तक मैं ये अप्लाई करती हूँ तब तक आप देखो कि मैंने ये हेना पैक प्रिपेयर कैसे किया था। मैं ये फटाक से लगा के वापस आती हूँ। ये हेना पैक प्रिपेयर करने के लिए सबसे पहले हमें कंकॉक्शन रेडी करना होगा। तो उसके लिए मैं ले रही हूँ 1 मग पानी। पानी को थोड़ा सा बॉईल होने देंगे। अब इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून मेथी दाना। नेक्स्ट मैं इसमें ऐड करूंगी 2 सैशे नेस्कैफे कॉफी के। ये 2 रुपए वाले पाउच हैं, तो दोनों पाउच में इसमें ऐड कर रही हूँ और अब इसको हम बॉईल होने देंगे 2-3 मिनट के लिए। ये हमने करना है लो फ्लेम पे। जैसे ही ये बॉईल हो जाता है हम गैस ऑफ कर देंगे और इसको स्ट्रेन आउट कर लेंगे और फिर ठंडा होने रख देंगे। सो ये हमारा कंकॉक्शन रेडी हो गया। नेक्स्ट मैंने ली है एक आयरन की कढ़ाई। इसमें मैं ऐड कर रही हूँ हेना वेदा का हेना पाउडर। ये 100 ग्राम्स का पैकेट है तो मैं पूरा पैकेट यूज कर रही हूँ। इसमें मैं ऐड कर रही हूँ हेना वेदा का ही आमला पाउडर 1 टेबलस्पून, शिकाकाय पाउडर 1 टेबलस्पून एंड हिबिस्किस पाउडर 1 टेबलस्पून। अब इन सब पाउडर्स को हमने अच्छे से मिक्स करना है और थोड़ा थोड़ा करके हम कंकॉक्शन ऐड करते जाएंगे और मिक्स करते रहेंगे और एक पेस्ट तैयार कर लेंगे। तो ऐसा करके हमारा हेना पैक हो जाएगा रेडी। अब आपने क्या करना है, इसको ओवरनाइट ढक के रख देना है और नेक्स्ट मॉर्निंग आपका हेना पैक कुछ इस तरह दिखेगा। हेना ने अपना कलर रिलीज कर दिया है। इसको आप दोबारा से अच्छे से मिक्स करेंगे और एक स्मूथ सा पेस्ट बना लें। हेना पैक लग चुका है और टाइम हो रहा है 3:10। अब मैं शार्क्या पहनूंगी और इसको फिर मैं 2 आवर्स के लिए छोड़ दूंगी। तो शार्क्या पहनते हैं। तो मिलते हैं वापस से 5 बजे। 2 hours later. Hi, I'm back. Exactly 2 hours हो गया। टाइम हो रहा है 5:13। तो मैं इस हेना पैक को निकालने वाली हूँ। इसको मैं रिंस करूंगी नॉर्मल वाटर से, शैम्पू नहीं करूंगी, नॉर्मल वाटर से वॉश करूंगी और उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। तो अभी शार्क आप भी निकाल लेते हैं और मैं आपको दिखाती हूँ।
सो ये पैक मेरा अभी भी वेट है. मैं कभी भी अपने हेयर पैक्स को फुली ड्राई नहीं होने देती, बिकॉज आप अपने हेयर पैक्स को पूरा सुखाएंगे तो उससे ना हेयर ब्रेकेज का प्रॉब्लम बहुत होता है. आपके बाल ना ऐसे कड़क हो जाते हैं और फिर वो टूटते रहते हैं, तो इसीलिए ही मैं ये शार कैप पहनती हूँ ताकि वो मॉइस्चर लॉक्ड रहे और हेयर पे कलर अच्छा सा आए. तो अभी मैं ये हेयर पैक निकाल के आती हूँ. सो हिना पैक मैंने निकाल दिया और अभी हेयर मेरे वेट हैं. जब थोड़ी देर में मेरे हेयर सूख जाएंगे तो मैं आपको हिना पैक का रिजल्ट दिखाऊंगी. और अभी टाइम हो रहा है 5:46, तो थोड़ी सी देर में जैसे ही मेरे हेयर सूखते हैं मैं आपको रिजल्ट दिखाती हूँ. अच्छा जी, तो अब टाइम हो गया है हमारा 6:51. मेरे बाल अच्छे से सूख गए हैं. बच्चों की आवाजें आपको बैकग्राउंड में आ रही होंगी तो प्लीज इग्नोर दैट. और अब हम फाइनली देखने वाले हैं हमारे हिना पैक का कलर. तो कुछ ऐसा कलर आया है. 2 hours हिना पैक रखकर नॉर्मल वाटर से रिंस ऑफ करने के बाद. अच्छा, एक चीज और मैं आपको बताना भूल गई थी कि मैंने कल अपने हेयर शैम्पू किए थे और आज जो मैं ये पूरा प्रोसेस कर रही हूँ मैं एंटायरली क्लेंस्ड हेयर पे कर रही हूँ और आज मैं शैम्पू बिल्कुल यूज नहीं करने वाली. तो ये है हमारा हिना पैक का रिजल्ट. जब मैं यही वाला हिना पैक अपने हेयर में 4 hours के लिए रखती थी और 1-2 दिन का टाइम देती थी कलर को अच्छे से उभरने में, तो कलर थोड़ा और ब्राउनिश आता था, बट आज काफी ज्यादा ऑरेंज टिंट है. बट कोई बात नहीं, हिना का कलर आना इम्पोर्टेंट है. तो हमारे हेयर में हिना का कलर आ गया है. तो हमारे इस हिना ट्रीटेड हेयर पे अब हम इंडिगो पैक लगाएंगे. मैं आपको बाहर चल के भी दिखाती हूँ ये कलर. हिना का कलर आ चुका है और अभी टाइम हो रहा है 11:25, रात का 11:30 बज रहा है और अब मैं लगाने वाली हूँ इंडिगो पैक. ये रहा इंडिगो पैक. इसे मैंने 10 मिनट्स के लिए रखा था. जब तक मैं ये पैक लगा के आती हूँ तब तक आप ये देखो कि मैंने ये हेयर पैक प्रिपेयर कैसे किया है. इंडिगो पैक प्रिपेयर करने के लिए मैं ले रही हूँ एक ग्लास बॉल. इसमें मैं ऐड कर रही हूँ हिना वेदा का ही इंडिगो पाउडर. ये मेरा 100 grams का सैशे है, ये पूरा मैंने यूज कर लिया. अब इसमें हमने ऐड करना है ल्यूकवॉर्म वाटर. मैं थोड़ा थोड़ा करके ल्यूकवॉर्म वाटर इसमें ऐड कर रही हूँ और इसको अच्छे से मिक्स करके एक बहुत ही स्मूथ सी पेस्ट बना रही हूँ. हमारी पेस्ट बन गई है. इसको मैं अब 10 मिनट्स के लिए ढक के रख रही हूँ. तो ये अभी आप देख रहे हैं कि इंडिगो ने अपना कलर रिलीज कर दिया है, इस तरह का ब्लू कलर रिलीज करता है. तो हमारा इंडिगो पैक भी रेडी हो गया. 11:50 इंडिगो पैक लग चुका है. अब ये भी मैं एग्जैक्टली 2 hours के लिए रखने वाली हूँ. तो अब हम मिलते हैं 1:50 पे. टाइम हो गया है 2:30 एंड इट्स माय बर्थडे टुडे. आई नो मैं आधा घंटा लेट हूँ. मुझे इंडिगो पैक 2 hours के लिए रखना था बट अभी ये मेरे हेयर में 2.5 घंटे से है. बट 12 बजे के बाद से मुझे कॉल्स आने लग गए तो इसीलिए मेरे को थोड़ा सा लेट हो गया. बट कोई बात नहीं, 2 घंटे की जगह 2.5 घंटे में उतार के देखते कि कैसा रिजल्ट आता है. तो अब मैं निकालने वाली हूँ हमारी ये शार क्या. तो अब मैं जल्दी से जाती हूँ और शार लेकर आती हूँ. टाइम हो रहा है 3:01. सो रात का 3 बज रहा है और मुझे बहुत तेज नींद आ रही है. मैंने अपना इंडिगो पैक रिंस ऑफ कर लिया, शैम्पू यूज नहीं किया और आई एम ऑल्सो डन विद माई नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन. रिजल्ट मैं आपको कल सुबह दिखाऊंगी बट अभी के लिए आप सिर्फ इतना देख सकते हैं, ये मेरे वेट हेयर हैं और मैं बस अब सोने जा रही हूँ. तो गुड नाइट और अब हम मिलते हैं कल सुबह. बाय बाय. Good morning guys, finally time for the big reveal. Are you ready? So the result is ta-da. So 2 hours इंडिगो रखने पे कुछ इस तरह का रिजल्ट आता है. आपको कहीं कहीं ब्राउन शेड्स दिख रहे होंगे. दैट इज बिकॉज मैंने सिर्फ 2-2.5 घंटे रखा था. अगर ये मैंने 4 घंटे रखा होता तो सारे हेयर मेरे ब्लैक हो जाते. लेकिन अभी थोड़े से कहीं कहीं ब्राउन शेड्स रह गई हैं एंड आई एम ओके विद इट. पूरा नेचुरल लग रहा है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है. 2-2.5 hours की इंडिगो एप्लीकेशन में भी अच्छा रिजल्ट आया है, डिसेंट रिजल्ट आया है. हाँ, अगर मैं 4 hours रखती तो पूरा ही ब्लैक आता, बट अभी जैसे आप देख सकते हैं कहीं कहीं ब्राउन है. तो दैट इज बिकॉज ऑफ 2-2 hours का एप्लीकेशन हुआ है.
मैं आपको इंडोर्स में भी रिजल्ट दिखाती हूँ कि अंदर मेरे हेयर कैसे दिख रहे हैं। तो कुछ ऐसा रिजल्ट आया है मेरा। अब मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कुछ अपने थॉट्स ये पूरा प्रोसेस एक ही दिन में करने के बारे में। जब मैंने हीना पैक सिर्फ 2 आवर्स के लिए रखा था और हीना पैक और इंडिगो पैक के बीच में मैंने एक दिन का भी गैप नहीं दिया था, तो मेरे हेयर में ना काफी ऑरेंज टिंट आया था। अदरवाइज मैं जब हीना पैक अप्लाई करती हूँ तो मेरा जो कलर आता है दैट इज मोर टुवर्ड्स ब्राउन शेड। और जो मैंने सेकेंड पैक अप्लाई किया था, मेरा इंडिगो पैक अप्लाई किया था, सिंस मैंने इंडिगो पैक सिर्फ 2 आवर्स के लिए रखा था, अदरवाइज मैं 4 आवर्स के लिए, अगर मैं इस बार भी इंडिगो पैक को 4 आवर्स अपने हेयर में रखती तो ये जो हल्के से आपको ब्राउनिश शेड दिख रहा है वो भी ब्लैक हो जाता अगर मैं इंडिगो पैक को प्रॉपर टाइम देती उसको वर्क करने के लिए। इसीलिए अगर आपके पास फुर्सत का टाइम है, आप बहुत देर तक अपने हेयर में ये दोनों पैक्स रख सकते हैं, तो आप ऐसा डिफरेंट डेज पे हीना इंडिगो एप्लीकेशन कर सकते हैं। और अगर आपको जल्दी है, एक ही दिन में आप करना चाह रहे हैं, नेक्स्ट डे पार्टी है, तो आज मैंने आपको जिस तरह से दिखाया आप इस तरह से भी कर सकते हैं। ये भी जो कलर आया है ना ये भी काफी नेचुरल दिखता है, मेरे सारे ग्रेस कवर हो गए। मेजॉरिटी हेयर में 90% ग्रेस में ब्लैक कलर आया है, लेकिन 10% ग्रे हेयर मेरे ऐसे हैं जहाँ पे ब्राउन शेड रह गया। और इस बार मैंने यूज किए थे हीना वेदा के हीना और इंडिगो पाउडर्स। ये मैंने इसलिए यूज किए थे बिकॉज इस चैलेंज में मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी। ये ऐसे पाउडर्स है जिन पे बहुत ट्रस्ट करती हूँ। आप में से बहुत लोग मुझसे पूछते भी हैं कि मेरा पर्सनल फेवरेट कौन सा है, तो मेरे पर्सनल फेवरेट ये हैं। तो अगर आप ये लेना चाहते हैं तो इनका लिंक भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। और आई रियली होप कि जिस तरह की वीडियो मैंने आज बनाई है ये आप लोग को पसंद आई हो। अगर आपको इस तरह का वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज आप मुझे नीचे कमेंट्स में बताना कि आप इस तरह की और वीडियोस चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। डू लेट मी नो। और पसंद आया तो लाइक करके ही जाना। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। तो इतनी थी हमारी आज की वीडियो। अब हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। चिल्ड्रेन टेक केयर। बाय बाय।